हेलो एवरीवन हेलो 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 चलो भाई सारे के सारे बच्चे जल्दी से आ जाएंगे और आज के इस सेशन की कहानी को ताकि हम शुरू कर पाए यस हेलो एवरीवन फटाफट से सभी बच्चे आ जाएंगे और आ करके जल्दी से मुझे बता देंगे कि आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है एकदम प्रॉपरली मैं आपको सुनाई दे रही हूँ दिखाई दे रही हूँ चलो भाई जल्दी से आ जाओ फटाफट से आ जाओ यस हेलो एवरीवान हेलो एवरीवन जल्दी से आ जाओ सब सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया तो मैं विजिबल भी हूँ ऑडिबल भी हूँ ऑल गुड एंड ऑल क्लियर तो आप जल्दी से, से सेशन में आओ और सेशन में आने के बाद तुम लोग को पता है कि तुम्हारा दूसरा काम क्या होता है जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स अपने सारे क्लासमेट्स को जाके बता दो कि भैया फाइनली मैग्नेट ब्रेंस पे अब क्लास टेंथ केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है जल्दी से उन तक ये जो जानकारी है पहुंचा दो ये मैसेज उन तक कन्वे कर दो ठीक है चलो शुरू करें शुरू करें अ वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ अभी गुड मॉर्निंग ही है ठीक <laughs> है अभी गुड मॉर्निंग ही है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स चलो शुरू करें कार्बोनिक एसिड वीक क्यों है कल के सेशन में मैंने आपको बताया था ना कि एक वीक एसिड होने का मतलब क्या होता है कि एसिड को आप पानी में डालते तो हो लेकिन जितना भी एसिड आपने डाला है पानी में आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स एसिड के पानी में डाले हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पानी में जा कर के नहीं टूटे कुछ टूटे बाकी के नहीं टूटे जो मॉलिक्यूल्स एसिड के पानी में जा कर के टूटे उनके टूटने से हमें आयंस मिले एच पॉजिटिव आयंस मिले लेकिन जो बाकी मॉलिक्यूल्स एसिड के नहीं टूटे उनके ना टूटने से क्या हुआ एच पॉजिटिव आयन्स तो हमें मिले लेकिन कम मिले तो जब भी आपको किसी एसिड के सल्यूशन में थोड़े बहुत ही एच पॉजिटिव आयन्स मिलते हैं तो समझ जाना कि वो एक वीक एसिड का एक्व सल्यूशन है ठीक है क्लियर आगे बात समझ में आगे बढ़े मैं बिल्कुल अच्छी हूँ बेटा आप कैसे हो कविता आप कैसे हो सब बढ़िया सब मजे में चलो अरे 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 नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं शैली गड़बड़ हो रही है गड़बड़ हो रही है सुनो मेरी बात आपने हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ले लिए कार्बोनिक एसिड के पानी में हंड्रेड में से फोर्टी मॉलिक्यूल्स टूटे हंड्रेड मॉलिक्यूल्स आपने कार्बोनिक एसिड के लिए कहाँ उठा करके पानी में डाल दिया तो हंड्रेड में से फोर्टी मॉलिक्यूल्स तो टूट गए कैसे टूटे जब कार्बोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें मिलते हैं दो एच पॉजिटिव आयन्स और एक कार्बोनेट आयन है ना तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोनिक एसिड का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें मिलते हैं दो एच है पॉजिटिव आय एक मॉलिक्यूल टूटता है तो मिलते हैं दो एच पॉजिटिव आय अगर 40 मॉलिक्यूल टूटे है, हैं 100 में से यदि 40 मॉलिक्यूल टूटे हैं कार्बोनिक एसिड के तो हमें कितने एच पॉजिटिव आयन्स मिल गए कितने एच पॉजिटिव आयन्स मिल गए फोर्टी इंटू टू मतलब कि एट्टी एच पॉजिटिव आयंस एक मॉलिक्यूल टूटा तो मिलते हैं दो एच पॉजिटिव आयंस चालीस मॉलिक्यूल टूटे हैं तो मिल जाएंगे टोटल कितने एट्टी एच पॉजिटिव आयंस लेकिन इमेजिन करो अगर सौ के सौ मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं कार्बोनिक एसिड के तो कितने एच पॉजिटिव आयंस मिलते एक मॉलिक्यूल के टूटने से दो एच पॉजिटिव आयंस निकलते हैं अगर सौ के सौ मॉलिक्यूल्स टूट जाते तो कितने एच पॉजिटिव आये सौ इन टू टू मतलब कि टू हंड्रेड एच पॉजिटिव आप बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं सौ में से फोर्टी तो मॉलिक्यूल्स तो टूटे हैं ना तो फोर्टी मॉलिक्यूल्स के टूटने से हमें 80 एच पॉजिटिव आयन्स मिल गए इतने सारे एच पॉजिटिव आयन्स मिल तो रहे हाँ मिल रहे हैं लेकिन इमेजिन करो अगर पूरे के पूरे टूट जाते तो इतने सारे एच पॉजिटिव आयंस मिलते टू हंड्रेड एच पॉजिटिव आयंस आयते तो आप खुद ही बताओ एट्टी एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं या टू हंड्रेड एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है इन दोनों में ज्यादा कौन है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है ये तो अगर पूरे के पूरे सौ मॉलिक्यूल्स टूट जाते तो हमें ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस मिलते लेकिन क्या हुआ है सौ में से केवल फोर्टी मॉलिक्यूल्स टूटे हैं जिनके कारण हमें एटी एच पॉजिटिव आयन्स ही मिले हैं जो रिमेनिंग सिक्सटी मॉलिक्यूल्स थे वो तो टूटे ही नहीं वो तो टूटे ही नहीं तो हमें करीब 120 H पॉजिटिव आयंस का नुकसान हो गया 120 क्यों अगर पूरे मॉलिक्यूल्स टूटते तो मिल जाते हमें 200 H पॉजिटिव आयन्स लेकिन केवल 40 मॉलिक्यूल्स टूटे हैं तो इनके टूटने से हमें कितने मिले हैं 80 एच पॉजिटिव आयन्स मिले हैं मतलब कि हमें नुकसान हुआ है 120 ट्वेंटी एच पॉजिटिव आयन्स का 200 हंड्रेड माइनस एट्टी कितना होता है 120 तो होता है ना तो हमें नुकसान हुआ है 120 ट्वेंटी एच पॉजिटिव आयन्स का अब समझ में आया अब समझ में आया कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन वीक एसिड की यही प्रॉपर्टी होती है उसका यही दुख दर्द होता है बेटा कि वीक एसिड जब भी पानी में जाता है ना तो उसके मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्प्लीट या पार्शियल डिसोसिएशन होता है पार्शियल मतलब क्या कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने डाले हैं एसिड के पानी में सारे टूटे ही नहीं कुछ ही टूटे कुछ के टूटने से थोड़े बहुत एच पॉजिटिव आयंस मिल गए बाकी के टूटे ही नहीं तो नुकसान हो जाता है आगे बात समझ में चलो तो हमने जो है डाउट भी ये क्लियर कर लिया अब आ जाओ आज के इस सेशन के ऊपर आ जाओ आज के इस सेशन के ऊपर चलो मेरी बात सुनो सभी बच्चे सेशन में जल्दी से ज्वाइन कर जाएंगे ताकि अपन सेशन को शुरू कर पाए ठीक है तो मुझे लगता है कि सेशन को तुम लोग ज्वाइन कर चुके हो जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दो और अब बारी आती है पढ़ाई शुरू करने की अब मैं कर रही हूँ सेशन को शुरू लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम लोगों का वेलकम मैं कर लेती हूँ सो हेलो एवरीवन दिस इज़ विभूति खरे वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन और इस सेशन में हम क्या करेंगे टारगेट क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशन से हमने क्लास टेंथ केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया है एंड दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और अभी तक हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस कर भी लिया है जैसे कि हमने एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं हमने बेसिस की भी कैरेक्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं हमने एसिड्स एंड बेसिस की स्ट्रेंथ का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है मतलब हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है एक वीक एसिड का मतलब क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है एक वीक बेस का मतलब क्या है मतलब ये सारे मतलब हमने समझ लिए हैं तो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पीएच की हम बोलते हैं ना कि एक सल्यूशन का पीएच एच सेवन है एक सल्यूशन का पी एच सिक्स है एक सल्यूशन का पी एच टू है एक सल्यूशन का पी एच सेवन पॉइंट फोर है एक सल्यूशन का पी एच नाइन पॉइंट फाइव है तो ये पी एच का मतलब क्या है मतलब एक सल्यूशन के पी एच का मतलब होता क्या है आज वो मैं आपको समझाऊँगी उसके अलावा आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की भी आप बोलोगे कि मैम इंडिकेटर्स तो हम पढ़ चुके हैं हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हैं लेकिन वो इंडिकेटर्स अलग थे ये थोड़ा सा अलग है और ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम पी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर रिलेटेड होता है पी से इसीलिए जब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे इस चैप्टर का जो कि इंडिकेटर्स था उस समय मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था क्योंकि तब तक हमने पी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता है आज पढ़ लेंगे तो आज यूनिवर्सल इंडिकेटर की भी बात हो जाएगी तो बात पक्की रही यही है हमारे सेशन का टारगेट होपफुली आपको समझ में आया होगा तो आ जाओ अब बिना किसी देरी के अपने सेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं सेशन को शुरू आइए अब देखो ऐसा है तुम्हें अरहीनियस ने एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करना सिखाया एक बार फिर से आज अपन क्या करते हैं सुबह सुबह सर अरहीनियस को याद कर लेते हैं है ना रोज सुबह हम क्या कर रहे हैं आजकल सर अरहिनियस को याद करते हैं आज भी सुबह सुबह अरहीनियस को याद कर लेते हैं अरहीनियस ने एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करना सिखाया एक मिनट रुकना तो जी यहां सुनो अर्नियस ने तुम्हें एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करना सिखाया अस ने बोला कि भाई एक एसिड जो होता है पानी में जाता है पानी में जाकर के अपने आयंस में टूट जाता है अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं और जब एक एसिड पानी में जाकर के टूटेगा अपने आयन्स में वो डिसोसिएट होगा तो हमें क्या मिलेंगे ढेर सारे एच पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे अब वो अलग बात है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है उससे फ़र्क नहीं पड़ता अरहेनियस ने लेकिन एक एसिड का कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया ना कि एसिड यदि पानी में जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे एच पॉजिटिव आयंस मिलेंगे वहीं बेसिस के लिए भी अरहीनियस ने क्या बोला था कि भैया एक बेस जो होता है वो पानी में जाता है डिजोल्व होता है और डिजोल्व होने के बाद में फर्निश करता है हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि ओ एच नेगेटिव आयंस अब वो स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है वो अलग बात है लेकिन हाँ बेस क्या करता है पानी में जाएगा डिजोल्व होगा और ओएच नेगेटिव आयंस फर्निश करेगा ऐसा कहा था अरहीनियस ने तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा तुम्हारे पास एक ही सल्यूशन है एक्चुअली एक नहीं है दो है ठीक है मैंने आपसे बोला कि बेटा आपके पास ना दो सोल्यूशन हैं दो सोल्यूशन हैं आपके पास दो सोल्यूशन हैं एक ये वाला एक ये वाला ए एंड बी आपको बताना है कि इन दोनों में से एसिडिक सल्यूशन कौन सा है और इन दोनों में से बेसिक सोल्यूशन कौन सा है मैंने बस आपसे इतना पूछा कि तुमको अरहनियस ने एसिड्स एंड बेसिस को कैसे डिफाइन किया था वो तुम्हें समझ में आता है वो तुम्हें पता चल चुका है रास की बात तो है नहीं है ना तुम्हें मैंने बता दिया है कि अरहनियस ने एसिड्स एंड बेसिस को कैसे डिफाइन किया था अभी अभी रिवाइज भी हमने कर लिया अब उसी बेसिस पर तुमसे मैंने पूछा कि बेटा मेरे पास दो सोल्यूशन हैं ए एंड बी इनमें से कोई एक एसिडिक है और कोई एक बेसिक सोल्यूशन है पता लगाओ कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है तो तुमने अरहीनियस को याद किया कि यार अरहीनियस ने कहा था एसिड पानी में जाएगा तो एच पॉजिटिव आयन स्वर्निश करेगा और बेस पानी में जाएगा तो ओ नेगेटिव आयन्स हाइड्रोक्साइड आयन्स फर्निश करेगा तो वो सोल्यूशन जिसमें कि हमें एच पॉजिटिव आयन्स मिल जाए भाई वो सोल्यूशन जिसमें कि हमें एच पॉजिटिव आयन्स मिल जाए तो समझ जाओ वो क्या हो जाएगा एक एसिडिक सोल्यूशन वहीं अगर एक ऐसा सोल्यूशन हमें मिल जाए जिसमें कि हमें ढेर सारे हाइड्रोक्साइड आयंस मिल जाए मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा बेसिक सोल्यूशन है ना हम यही तो आ, समझने की कोशिश कर रहे हैं ना अनियस की ही डेफिनेशन को रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेसिस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एसिड पानी में जाएगा एच पॉजिटिव आय देगा बेस पानी में जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आय देगा तो हमारे पास दो सोल्यूशन है नहीं पता कि कौन एसिड एक है नहीं पता कौन सा बेसिक है लेकिन हमें यह पता है कि अगर एक सोल्यूशन में हमें एच पॉजिटिव आय दिख जाएंगे तो वो डेफिनेटली क्या होगा एसिड का एक्वस सोल्यूशन होगा और अगर हमें किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन्स दिख जाएंगे तो वो डेफिनेटली क्या होगा एक बेसिक सोल्यूशन होगा है ना मैंने बोला मैंने नहीं बोला हाँ मैंने ही पूछा था तुम लोगों से कि बच्चों बताओ कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक आपने पता करा आपने पता करा कि यार इन दोनों में से कौन से सोल्यूशन में एच पॉजिटिव हैं और कौन से में हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं आपने पता करा कि मैम जो ये वाला सोल्यूशन है ना ये एसिडिक है और ये बेसिक है ये एसिडिक है और ये बेसिक है मैंने पूछा कैसे पता चला तुम लोगों को टेस्ट कर नहीं सकते तुमको मैंने इंडिकेटर भी नहीं दिया टेस्ट करने के लिए अगर इंडिकेटर दिया होता तो तुम लोग इंडिकेटर से पता कर सकते थे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है ना इंडिकेटर दिया ना तुमको मैंने टेस्ट करने दिया तो तुम लोग करोगे क्या तुमने पता करा कि कहाँ एच पॉजिटिव आयन्स है कहाँ ओ एच नेगेटिव आयन है तुमने कहा कि मैम ये एसिडिक है ये बेसिक है मैंने पूछा कैसे पता लगाया तुमने तो आपने बोला कि मैम ये जो सल्यूशन है ना इसमें हमें मिले ढेर सारे एच पॉजिटिव मैम ये वाले सोल्यूशन में हमें मिले ढेर सारे एच पॉजिटिव आयंस और Arrhenius ने कहा था कि एसिड पानी में जाकर के acid पानी में में जाकर के H positive ions ही करते हैं। तो definitely एक acidic solution में हमें एच पॉजिटिव आयन मिलते हैं तो हमें ये वाले सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस मिले इसका मतलब definitely ये क्या है एक एसिडिक सोल्यूशन है फिर आपने बोला कि मैम ये वाले सोल्यूशन में ना हमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन्स मिले अरिनियस ने कहा था बेस जाएगा पानी में तो हाइड्रोक्साइड आयंस फर्निश करेगा तो हमें ये वाले सोल्यूशन में ढेर सारे हाइड्रोक्साइड आयन्स मिले ढेर सारे हाइड्रोक्साइड आयन्स मिले तो डेफिनेटली ये क्या हो गया एक, एक बेसिक सोल्यूशन हो गया सही बात है अरिनियस की डेफिनेशन के हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है अब तुम लोगों से मैंने बोला कि बच्चों मेरे पास एक और सोल्यूशन है एसिडिक सोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया बेसिक सोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया फिर तुम लोगों से मैंने बोला कि बच्चों मेरे पास एक और सोल्यूशन है एक और सोल्यूशन है मेरे पास कमी नहीं है मेरे पास सोल्यूशन की मैंने बोला कि मेरे पास एक और सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन की खास बात पता है क्या है यह है एक न्यूट्रल सोल्यूशन ये क्या है ये है एक न्यूट्रल सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है न्यूट्रल सोल्यूशन चलो मैं इसको और डार्क कर देती हूं अब दिख गया अभी भी नहीं दिख रहा है लो अब तो दिख ही जाएगा हम्म ठीक है चलो तो मैंने तुम लोगों से बोला कि बेटा ये है मेरे पास एक न्यूट्रल सोल्यूशन तो अब जरा मुझे बताओ कि इस न्यूट्रल सोल्यूशन में मुझे क्या देखने को मिलेगा तुमने कहा कि मैम एसिडिक सोल्यूशन में हमें एच पॉजिटिव आयन्स देखने को मिलते हैं एसिडिक सोल्यूशन में हमें एच पॉजिटिव आयन्स देखने को मिलते हैं बेसिक सोल्यूशन में हमें हाइड्रोक्साइड आयन्स देखने को मिलते हैं तो मेरे पास एक और है न्यूट्रल सोल्यूशन बताओ इसमें तुम्हें कौन से आयंस देखने को मिलेंगे या कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि मैम ये तो न्यूट्रल है तो ना इसके पास H पॉजिटिव होंगे ना इसके पास ओ एच नेगेटिव आयंस होंगे है ना क्या मिलेगा देखने को न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे अरे बेटा कहाँ पहुंच गए नाइन्थ में कब तक रहोगे टेंथ में आओ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की कहानी नाइन्थ में पढ़ी थी अब टेंथ में आ जाओ हाँ जी आपकी वीडियोज इतनी लंबी क्यों होती है क्योंकि बेटा मैं गरबा करती हूं ना वीडियोज में तो टाइम लग जाता है हां बताओ कुछ नहीं देखने को मिलेगा नो आयंस नो आयंस नहीं बेटा नो आयंस नहीं न्यूट्रल सोलूशन में आपको दोनों ही आयंस देखने को मिलेंगे यही तो ट्विस्ट था इसीलिए यह सवाल पूछा गया ये अगर एसिडिक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं और बेसिक सोल्यूशन में बेसिक सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयन होते हैं तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या मिलेगा आपको तो दोनों आयन्स मिलेंगे एच पॉजिटिव आयन्स भी मिलेंगे और ओ एच नेगेटिव आयन भी मिलेंगे समझे दोनों तरह के आयन्स मिलेंगे एच पॉजिटिव भी और ओ एच नेगेटिव भी तो आप बोलोगे कि मैम फिर ये न्यूट्रल कैसे हुआ अरे ये न्यूट्रल इसलिए हुआ क्योंकि जितने एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं ना एग्जैक्टली exactly उतने ही ओ एच नेगेटिव आयन्स होते हैं आप ये भी बोल सकते हो कि जितने ओ एच नेगेटिव आयन्स होते हैं उतने ही एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं मतलब कि दोनों ही आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो बराबर बराबर होता है तब जाकर के एक सोल्यूशन क्या बनता है न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन में आपको ये दोनों ही तरह के आयंस देखने को मिलेंगे फर्क क्या होता है फर्क बस इतना होता है कि दोनों ही आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर होता है इसके चलते जो अपना सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है अब एक ट्विस्ट यहां पर और है एक ट्विस्ट यहां पर और है क्या ट्विस्ट है जो यहां पर हम बोलते हैं ना कि एसिडिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आय होते हैं बेसिक सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आय होते हैं ट्विस्ट ये है बेटा कि एसिडिक सोल्यूशन में भी ओ एच नेगेटिव आय होते हैं और बेसिक सोल्यूशन में भी H पॉजिटिव आय होते हैं लेकिन होता यह है कि एसिडिक सोल्यूशन में

वहीं जो अपना बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें भी एच पॉजिटिव एंड ओव नेगेटिव ये दोनों ही तरह के आयंस देखने को मिलते हैं बस फर्क ये होता है कि बेसिक सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है एच पॉजिटिव आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन से इसीलिए उसको हम बोल देते हैं क्या बेसिक सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन में तुमको मैंने बता ही दिया कि दोनों ही तरह के आयंस होते हैं दोनों ही तरह के आय होते हैं और दोनों का बराबर-बराबर हो बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, है? इसीलिए क्या न्यूट्रल हो जाता है तो कहने का मतलब हो, OH फर्क होता है कॉन्सेंट्रेशन में बस कि अगर एच पॉजिटिव आयसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक अगर ओव OH का ट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो हो जाएगा बेसिक और अगर दोनों ही का आयसेंट्रेशन बराबर बराबर हो गया तो वो क्या बन जाएगा न्यूट्रल सोलूशन बोलो समझ में आए कि नहीं आई? बताओ समझ में आए कि नहीं आई हाँ बिल्कुल तो बेटा पानी क्या होता है न्यूट्रल सोल्यूशन तो होता है पानी क्या होता है न्यूट्रल सोल्यूशन तो होता है एच प्लस +OH. क्या बन जाएगा H2O न्यूट्रल सोल्यूशन और भी ऐसे कुछ सोल्यूशंस होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं नेचर में सिर्फ पानी नहीं होता पानी भी एक न्यूट्रल चीज है नेचर में लेकिन हाँ उसके अलावा भी कुछ कुछ और सोल्यूशंस होते हैं जो नेचर में न्यूट्रल हो जाते हैं तो ये चीज सबको समझ में आई क्लियर हो गया सबको कि सल्यूशन चाहे जैसा भी हो एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल तो मैं तीनों में एच पॉजिटिव आयंस एंड ओ एच नेगेटिव आयंस मिलेंगे फर्क होता है बस कॉन्सेंट्रेशन में कि यदि एच पॉजिटिव आयंस का काट्रेशन ज्यादा हो गया ओवेच नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन तो OH से तो वो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन अगर ओवेच नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया एच पॉजिटिव आयंस के आयसेंट्रेशन से तो वो हो जाएगा क्या बेसिक सोल्यूशन और अगर दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर हो गया तो वो बन जाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन तो चाहे सोल्यूशन जोन सा भी क्यों ना हो सोल्यूशन में एसिडिक बेसिक न्यूट्रल तुमको तीनों ही टाइप के सोल्यूशन में एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स दोनों ही तरह के आय देखने को मिलेंगे बस फर्क हो जाता है कहां कॉन्सेंट्रेशन में ठीक है चलो अब हम बात करते हैं और आगे की ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास क्या हो एक न्यूट्रल सोल्यूशन हो अगर हमारे पास न्यूट्रल ल्यूशन हो तो उसमें एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बराबर होता है ये तो हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई न्यूट्रल सोलूशन है फॉर एग्जाम्पल पानी है पानी ही है बेस्ट एग्जाम्पल क्या है पानी इसमें क्या होता है H पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बराबर होता है लेकिन अगर मैं पूछूं एग्जैक्ट मैं कॉन्सेंट्रेशन पूछूं कि पानी में H पॉजिटिव का काट्रेशन होता कितना है कितना होता है अमाउंट बताओ वैल्यू बताओ कोई नंबर बताओ तो आप क्या बताओगे 10 रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर मोल्स का कॉन्सेप्ट आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा है ना तो पानी जैसे न्यूट्रल सोल्यूशन में

हम मोल्स के टर्म्स में निकाल रहे हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम मोल्स के टर्म्स में निकाल रहे हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोल देंगे ठीक है ना क्योंकि हमने यहां पे H पॉजिटिव आयन्स का न्यूट्रल सोल्यूशन में जैसे कि पानी में हमने H पॉजिटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पता किया कितना है टेन इज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि हम मोल्स के टर्म्स में निकाल रहे हैं इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे मोलर मोलर और को हम डिनोट कैसे करते हैं यहां पर ये यह जो मैंने ब्रैकेट लगाए हैं ये जो ब्रैकेट लगाए हैं ये ब्रैकेट ही क्या बता रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं एच पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की ये ब्रैकेट मैंने आ, सुंदर बनाने के लिए नहीं लगाए हैं कि अच्छा लग रहा है दो ब्रैकेट बने हुए हैं ना सुंदर बनाने के लिए ब्रैकेट नहीं लगाए हैं ब्रैकेट लगाने से मतलब यह है कि यहां पर मैं बात कर रही हूं, H तो लगाने का मतलब क्या है एच पॉजिटिव मोलर का। आयोलर ठीक है न्यूट्रल सोल्यूशन में हमने पढ़ा कि एच पॉजिटिव आयसेंट्रेशन ओ एच नेगेटिव आयसेंट्रेशन के बराबर होता है और हमने यह भी देख लिया कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि पानी में H पॉजिटिव आयंस का मोलर कंसेंट्रेशन कितना होता है 10 रे टू पावर -7 मोल्स पर लीटर तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में जैसे कि पानी में OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसी सॉल्यूशन में न्यूट्रल सॉल्यूशन में पानी में OH नेगेटिव आयंस का कितना होगा मोलर कंसंट्रेशन बता सकते हो अगर क्लास को अभी तक तुमने ध्यान से सुना है तो इसका जवाब तुम लोग दे सकते हो मुझे और अगर अभी तक तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया जैसे कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि चश्मा नहीं लगा है तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा सेम एग्जैक्टली exactly, वही का वही अरे बोल तो रहे हैं भैया कि चाहे सोल्यूशन कोई सा भी क्यों ना हो एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आय एच पॉजिटिव आय एंड नेगेटिव आय हर सोल्यूशन में तुम्हें देखने को मिलेंगे बस फर्क हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन का न्यूट्रल सोलूशन में एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयसेंट्रेशन बराबर बराबर होता है तो अगर एच पॉजिटिव आय का मोलार कंसेंट्रेशन कितना है न्यूट्रल सोल्यूशन में टेन एस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर है तो डेफिनेटली न्यूट्रल सोलूशन में जैसे कि पानी में ओ एच नेगेटिव आयंस का भी मोलार कितना हो जाएगा टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर उतना ही होगा उतना ही होगा बोर्ड है ना कि सेम है एच पॉजिटिव आय ओव नेगेटिव आयंस के जो मोलार कंसेंट्रेशन होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर इतना क्लियर हो गया एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर का आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर का जिसको अपन के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बस ध्यान से सुनते जाओ जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आता जाएगा एक कॉन्सेप्ट होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर का जिसको कि अपन के डब्लू से डिनोट करते हैं ये होता क्या है प्रोडक्ट आयन मैथ्स में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन तो यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेकिन किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब कि सल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस के और OH नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वर्ड को तोड़ो क्या है आयोनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आयन को ions को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बेटा आयन के कौन से आयन एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन के जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उन्हें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस के मोलर कंसंट्रेशन को अपन आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 रे टू पावर -7 10 रे टू पावर -7 मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 10 रे टू पावर -14 मोल्स पर लीटर तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना आ गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू आ गया टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर आई बात समझ में ये हमने क्या करा हमने ये देख लिया कि भाई न्यूट्रल सोल्यूशन जैसे कि पानी में एच पॉजिटिव आय का कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है इतना होता है ओ नेगेटिव आय के भी ओ एच नेगेटिव आय का भी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना होता है फिर हमने क्या करा के डब्ल्यू निकाला के डब्ल्यू मतलब कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फॉर किसी भी सोल्यूशन समझना कि ऑफ वाटर लिखा है तो सिर्फ पानी का है आप कोई भी सोल्यूशन ले लो बेटा कोई भी सोल्यूशन ले लो या यहां पर तो अभी आप चलो ठीक है पानी की ही बात कर लो पानी क्यों क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी न्यूट्रल सोल्यूशन की तो यहां पर हमने क्या करा पानी के लिए या किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए आयोनिक प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी न्यूट्रल सोल्यूशन या पानी के लिए फिलहाल आप पानी देख लो न्यूट्रल सोल्यूशन देख लो इसके लिए हमने क्या करा है आयोनिक प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी है जिसको अपन के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ये आयोनिक प्रोडक्ट होता क्या है प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं किस चीज का मल्टीप्लिकेशन आयंस का कौन से आयंस का एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं एच पॉजिटिव एंड एच नेगेटिव आय के जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है आयनिक प्रोडक्ट की टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर अब ये जो वैल्यू होती है आयनिक प्रोडक्ट की ये फिलहाल हमने अभी किसके लिए निकाली है पानी के लिए निकाली है आप चाहे दुनिया का कोई भी सल्यूशन ले लो उस सल्यूशन के आयोनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ना वो इतनी ही आएगी मतलब एक न्यूट्रल सल्यूशन है आपके पास पानी उसके आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर आप कोई एसिडिक सल्यूशन ले लो उसमें भी आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी इतनी ही आएगी इतनी ही आएगी आप कोई बेसिक सोल्यूशन ले लो उसमें भी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ही आएगी इतनी ही आएगी अब सवाल यह है कि मैम ये कैसे पॉसिबल है यहां पे तो हम बात कर रहे थे फिलहाल पानी की एक न्यूट्रल सोलूशन की जिसमें हमें H पॉजिटिव एंड OH एच नेगेटिव आयन्स के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता चल गई थी कितनी होती है टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर और इसकी भी कितनी होती है टेन एस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर तो यहाँ पर हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल लिया कितना आ गया टेन एस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर लेकिन अब आप बोल रहे हो कि दुनिया का चाहे कोई भी सोल्यूशन क्यों ना हो ऐसे हो बेसिक हो कोई भी सोल्यूशन में आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ही आती है ये कैसे पॉसिबल है तो अब सुनो मेरी बात ये कैसे पॉसिबल है इसे समझाने के लिए मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ सपोज मेरे पास एक बॉक्स है मेरे पास एक बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम कितनी है वी है ध्यान से समझते जाओ इतना बेसिक तुम्हें इलेवेंथ में कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें लगता है कि अगर हम इलेवंथ में बायोलॉजी नहीं लेंगे तो हमें सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स पढ़नी पड़ेगी सही बात है बिल्कुल सही बात है ना लो बायोलॉजी ले लो मैथ्स या ना लो मैथ्स ले लो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना जब केमिस्ट्री पढ़ोगे इलेवेंथ में तो तुम्हें कोई इतना बेसिक नहीं समझाएगा आज जो बच्चे पास आउट होकर के पिछले साल के इस साल जो बच्चे गए हैं ना इलेवंथ में अब वो जाकर के थैंक यू बोलते हैं कि मैम अच्छा हुआ आपने सिखा दिया इलेवंथ में कोई नहीं सिखाता इतना डिटेल में एलैंथ में सोचते हैं कि बच्चे को सब आता है तो आगे आगे का पढ़ाते हैं बेसिक कोई नहीं पढ़ाता तो प्लीज सुनते जाओ इसको बहुत ही ध्यान से कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम वी है इस बॉक्स में टोटल ट्वेंटी फाइव बॉल आ सकती हैं वॉल्यूम वी है बॉक्स की और इस बॉक्स में टोटल 25 बॉल आ सकती हैं मैंने क्या करा 25 नहीं 26 कर दो 26 कर दो तो बॉक्स की वॉल्यूम है वी और इस बॉक्स में 26 बॉल आ सकती हैं 26 में से मैंने 13 बॉल ले ली ब्लैक कलर की और 13 बॉल मैंने ले ली वाइट कलर की भाई बॉक्स की वॉल्यूम है कितनी v v वॉल्यूम होने का मतलब क्या है कि बॉक्स में 26 बॉल्स आ सकती हैं सेम साइज की 26 में से मतलब मुझे यह समझ में आ गया कि चलो ठीक है मेरे पास जो बॉक्स है उसकी वॉल्यूम v है और उसमें 26 बॉले आ सकती हैं 26 बॉल्स आ सकती हैं सेम साइज की तो मैंने क्या करा थर्टीन बॉल्स ले ली ब्लैक कलर की और तेरह बॉल ले ली वाइट कलर की और दोनों को मिला दिया तो दूर से देखने पर जो मेरा बॉक्स है वो मुझे ग्रे कलर का दिख रहा है क्यों अरे तेरा ब्लैक है तेरा वाइट है तो मिलजुल के क्या हुआ ग्रे कलर जो है ना दूर से देखने पे लग रहा है ठीक है अब मैं एक और बॉक्स लेती हूं अब मैं एक और बॉक्स लेती हूं जिसकी वॉल्यूम कितनी है इसी के बराबर है v वॉल्यूम तो जरा मुझे बताओ कि इस बॉक्स में कितनी बॉल आ सकती हैं भाई मेरे पास एक बॉक्स है वॉल्यूम v का उसमें तुम लोगों को मैंने बोला कि 26 बॉल्स आ सकती हैं 26 में से मैंने 12, 13 बॉल्स ले ली ब्लैक कलर की और 13 ले ली व्हाइट कलर की दोनों को मिला दे तो दूर से जो मेरा बॉक्स है ना उसका कलर मुझे ग्रे लग रहा है क्यों दोनों जो ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स जो है ना वो इक्वल है नंबर में तो मिला जुला करके मुझे थोड़ा सा ग्रे कलर दिख रहा है आप ही मुझे बताओ कि अब मैंने एक दूसरा बॉक्स लिया है अगेन इसकी वॉल्यूम कितनी है वी है तो इस वी वॉल्यूम वाले बॉक्स में कितनी बॉल्स आ सकती है एग्जैक्टली ट्वेंटी सिक्स ही आएंगी क्यों ट्वेंटी सिक्स आएंगी अरे भैया जितनी बॉक्स की वॉल्यूम है उसी के हिसाब से बॉल आएंगी जब मैं बोल रही हूं कि वी वॉल्यूम वाले बॉक्स में ट्वेंटी सिक्स बॉल्स आ सकती हैं तो चाहे मैं यहां पर कितने भी सारे डब्बे क्यों ना ले लू वी वॉल्यूम वाले एक डब्बे में केवल छब्बीस बॉल ही आ पाएंगी ठीक है क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है ना बॉक्सेस की तो इसीलिए बॉक्सेस में सेम अमाउंट या सेम नंबर में बॉल्स आ सकेंगी तो यहां पर भी 26 बॉल्स आ सकती हैं 26 में से इस बार मैंने क्या करा 20 बॉल्स ले ली ब्लैक कलर की और छह बॉल्स ले ली वाइट कलर की तो दूर से जो मेरा बॉक्स है वो मुझे ब्लैक कलर का दिख रहा है क्यों दिख रहा है भैया, मैंने व्हाइट कलर की तो दूर से जो है ब्लैक कलर क्या कर रहा है डोमिनेट कर रहा है तो दूर से जो बॉक्स है वो मुझे ब्लैक कलर का दिख रहा है ठीक है जब दोनों बॉल्स का नंबर बराबर बराबर होता है तो मिला जुला कलर नजर आता है ग्रे कलर नजर आता है ना ब्लैक ना व्हाइट मिला जुला ग्रे कलर नजर आता है लेकिन अगर ब्लैक बॉल्स का नंबर ज्यादा है तो ब्लैक कलर डोमिनेट करता और इसलिए दूर से मुझे बॉक्स का कलर ब्लैक दिखता है अब यहां पर मैंने एक और बॉक्स ले लिया अगेन इसकी वॉल्यूम कितनी है वी है तो कैस करो यहां पर कितनी बॉल्स आ सकती है अगेन ट्वेंटी सिक्स क्यू ट्वेंटी सिक्स क्यू अरे वॉल्यूम सेम है ना इसकी भी वॉल्यूम भी, इसकी भी वी इसकी भी वी तो डेफिनेटली इसमें भी कितनी बॉल्स आ सकती हैं छब्बीस सेम साइज की यहां पर मैंने क्या करा दस बॉल ले ली ब्लैक कलर की और सिक्सटीन बॉल्स ले ली व्हाइट कलर की तो दूर से जो बॉक्स है वो मुझे व्हाइट कलर का नजर आएगा क्यों? अरे व्हाइट कलर की बॉल ज्यादा है ना ब्लैक कलर की बॉल बॉल से तो वाइट कलर क्या करेगा डोमिनेट करेगा इसलिए दूर से मुझे जो बॉक्स है वो वाइट कलर का नजर आएगा ये समझ में आ गया कि मैंने तीन डब्बे लिए तीनों ही डब्बों की वॉल्यूम बराबर बराबर है वी 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 तो तीनों में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स आ सकती हैं इसमें भी 26 इसमें भी 26 इसमें भी छब्बिस. इसमें मैंने बराबर बराबर ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स ली थर्टीन ब्लैक थर्टीन वाइट तो दोनों कलर मिला जुला करके मुझे एक अलग ही कलर दूर से नजर आ रहा है बॉक्स का दैट इज ग्रे ना ब्लैक डोमिनेट कर पा रहा है ना व्हाइट डोमिनेट कर पा रहा है दोनों को मिला करके एक ग्रे कलर मुझे दूर से दिख रहा है बॉक्स का दूसरे बॉक्स में मैंने ब्लैक कलर की बॉल्स ज्यादा ली वाइट कलर की बॉल्स कम ली तो ब्लैक कलर डोमिनेट करा तो दूर से जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहां पर मैंने वाइट कलर की बॉल्स कम ली तो डोमिनेट कौन कर रहा है वाइट कलर इसलिए दूर से मुझे ये बॉक्स कलर का नजर आएगा ये समझ में आ गया अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हारे लिए ये जो आयोनिक प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कैसे सुनो तुम्हें मैंने बताया अच्छा एक चीज और सुन लो उसके पहले यह मैं तुम लोगों को पहले भी समझा चुकी हूं बचपन में तुम लोगों ने नंबर स्केल पढ़ी होगी बचपन में तुम लोगों ने नंबर स्केल पढ़ी होगी कि जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स एंड सो ऑन ऑपोजिट साइड जाएंगे तो नेगेटिव में वैल्यू शुरू हो जाएगी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा बचपन में कि नेगेटिव में वैल्यू जो बड़ी होती है वो एक्चुअली में छोटी होती है मतलब अगर मैं पूछूं कि बेटा टेन रेज टू पावर माइनस फाइव एंड टेन रेज टू पावर माइनस टेन या ये छोड़ो टेन रेस टू पावर फाइव और टेन रेस टू पावर टेन में बड़ा नंबर कौन सा है सवाल है तुम लोगों के लिए कि और में बड़ा नंबर कौन सा? तो तुम लोग क्या बोलोगे क्या बोलोगे इन दोनों में विच इज द बिगर नंबर सेकेंड वाला सेकेंड वाला अरे नंबर बताओ ना नंबर बताओ हाँ टेन रेस टू पावर टेन को तुम बोलोगे कि हाँ ये क्या है बड़ा नंबर है और वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेन रेस टू पावर माइनस फाइव और टेन रेस टू पावर माइनस टेन में कौन है बड़ा नंबर तो तो क्या बोलोगे यहां तो तुम लोगों के लिए बोलना बड़ा आसान आसाना टेन तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया यह वाला लेकिन अगर मैं यही चीज माइनस में पूछ लू तो कि टेन रेस टू पावर माइनस फाइव और टेन रेस टू पावर माइनस टेन में बड़ा नंबर कौन सा है तो क्या बोलोगे एग्जैक्टली टेन रेस टू माइनस फाइव क्यों क्योंकि नेगेटिव में छोटा नंबर ही बड़ा होता है लिख लो यहां पर लिख लो कि नेगेटिव में छोटा नंबर ही बड़ा नंबर होता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम ये तो टेन रेस टू पावर माइनस फाइव है ये टेन रेस टू पावर माइनस टेन है तो ये होना चाहिए बड़ा नंबर तो तुम्हें गलत लग रहा है क्यों क्योंकि नेगेटिव में छोटा नंबर ही क्या होता है बड़ा होता है तो डेफिनेटली टेन टू पावर माइनस फाइव या टेन रिस्ट टू पावर माइनस टेन में बड़ा नंबर कौन सा होगा ये वाला टेन टू पावर माइनस फाइव ये सबको पता है सबको क्लियर है चलो अब आ जाओ वापस से आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आया अब सुनो तुम लोगों को मैंने बोला कि बेटा न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स का और OH नेगेटिव आयन्स का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बराबर होता है या सिंपल भाषा में बोलो तो न्यूट्रल सोल्यूशन में या पानी में H पॉजिटिव आयन्स का और OH नेगेटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बराबर होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही तरह के आयंस का बराबर बराबर होता है कितना होता है तो टेन रेस्ट टू पावर माइनस टेन टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर और इसका भी टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर एच पॉजिटिव आयन्स का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है टेन टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर ओ एच नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10 एस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर ठीक है फिर तुम लोग को मैंने ये भी सिखाया कि बेटा चाहे तुम्हारे पास एसिडिक हो या तुम्हारे पास बेसिक हो हर तरह के सोल्यूशन में तुम्हें एच पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव आयंस बराबर ही देखने को मिलेंगे सॉरी दोनों ही तरह के आयंस तुम्हें देखने को मिलेंगे चाहे जो भी तरह का सोल्यूशन हो बराबर नहीं जो भी तरह का सोल्यूशन हो तुम्हें तो उसमें एच पॉजिटिव एंड ओव नेगेटिव दोनों ही तरह के आय देखने को मिलेंगे अब मेरे पास एक और सोल्यूशन है एक और सोल्यूशन है इसमें एच पॉजिटिव आयन्स का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस सेवन नहीं नॉट माइनस सेवन माइनस फोर मोल मोल पर लीटर मेरे पास एक और सोल्यूशन है जिसमें एच पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस मोल टेन रेस टू पावर माइनस फोर मोल्स पर लीटर और वहीं ओ एच नेगेटिव आयंस का ओ एच नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस टेन Moles per liter. तो जरा मुझे बताओ कि ये जो सल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है यहाँ पर जो तुमको मैंने बात बताई थी ना कि जो नेगेटिव में छोटा नंबर होता है वही एक्चुअली में बड़ा नंबर होता है तो बस यही वाला फंडा यहाँ पर अप्लाई करना है तुम्हें कि एक सोल्यूशन तुम्हारे सामने रखा है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयन्स का मोल और कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन डेज टू पावर माइनस फोर मोल्स पर लीटर और वहीं ओ एच नेगेटिव का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कितना है सोल्यूशन में टेन एस टू पावर माइनस टेन मोल्स पर लीटर तो जरा बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिक है ये सोल्यूशन क्या होगा एसिडिक या बेसिक चाहे कोई भी सोल्यूशन हो उसमें तुम्हें एच पॉजिटिव एंड ओवे नेगेटिव ये दोनों ही तरह के आय देखने को मिलेंगे लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर फर्क हो जाता है दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन में कि सोल्यूशन तो है एच पॉजिटिव आयन्स भी है ओवे नेगेटिव आय भी है लेकिन इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है

एसिडिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का ओ OH नेगेटिव आयंस के आयस से ज्यादा होता है ना भाई सोलूशन में तुमको दोनों ही तरह के आयंस मिलेंगे लेकिन अगर H पॉजिटिव आयंस का आयसट्रेशन ज्यादा है और OH नेगेटिव आयंस का आयसेंट्रेशन कम है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा तो बेटा यहां पर भी क्या है यहां पर भी इस सोलूशन में H पॉजिटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है ना ओएच नेगेटिव आइंस के कॉन्सेंट्रेशन से क्यों अरे नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है दरअसल वही बड़ा होता है टेन रेस टू पावर माइनस फोर और टेन रेस टू पावर माइनस टेन में बड़ा नंबर कौन सा? जरा बताना तो टेन रेस टू पावर माइनस फोर में और टेन रेस टू पावर माइनस टेन में बड़ा नंबर कौन सा है टेन रेस टू पावर माइनस फोर और टेन रेस टू पावर माइनस टेन में कौन है बड़ा नंबर डेफिनेटली नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही एक्चुअली में बड़ा नंबर होता है तो छोटा नंबर कौन है नेगेटिव में टेन रेस टू पावर माइनस फोर तो यही क्या हो जाएगा असलियत में बड़ा नंबर हो जाएगा बड़ा नंबर मतलब क्या सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है अगर H पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ओ एच नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि H पॉजिटिव आय ज्यादा होते हैं OH नेगेटिव आयन से वो क्या होगा एक एसिडिक सल्यूशन ही तो होगा ना आई बात समझ में अब यहां पर हम लेते हैं बिल्कुल एक मिनट का ब्रेक ये नालायक फिर से हैंग हो गया है इसको मैं जरा मुक्का मार के आती हूँ ठीक है हम मिलते हैं बिल्कुल एक मिनट के ब्रेक के बाद कोई कहीं नहीं जाएगा हम बिल्कुल मिलते हैं एक मिनट के ब्रेक के बाद इसको मैं जरा सा ठीक करके आती हूँ ठीक है एक मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे अभी हमें बेसिक सोल्यूशन की भी बात करनी है अभी तो हमने एसिडिक सोल्यूशन की बात करी है अभी अपन बेसिक सोल्यूशन की भी बात करेंगे और फिर उसके बाद में आयोनिक प्रोडक्ट की भी बात करनी है अभी बहुत बात करनी है मिलते हैं बिल्कुल एक मिनट के ब्रेक के बाद ठीक है चलो भाई सेशन को रिज्यूम करते हैं आ जाओ चलो वापस आओ सेशन को अपन रिज्यूम करते हैं अब यहाँ देखो ब्रेक पे जाने के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे सल्यूशन कोई भी क्यों ना हो किसी भी तरह का सल्यूशन क्यों ना हो न्यूट्रल हो एसिडिक हो बेसिक हो हर तरह के सल्यूशन में तुमको एच पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे और ओ एच नेगेटिव आयंस भी मिलेंगे फर्क बस इतना होता है कि कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आ जाता है डिफरेंस आ जाता है जैसे कि न्यूट्रल सोल्यूशन में एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं कितने टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर जब हम बात करते हैं एसिडिक सोल्यूशन की तो उसमें एच पॉजिटिव आयन्स का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता है वहीं बेसिक सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है ओ एच नेगेटिव आइंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है एच पॉजिटिव आय के मोलर कंसेंट्रेशन से अब यहां पर देखो अब यहां पर देखो क्या हुआ मेरे पास एक और सोल्यूशन है मेरे पास एक और सोल्यूशन है जिसमें कि H पॉजिटिव आय कंसंट्रेशन है कितना ले ले टेन रेस टू पावर माइनस नाइन एच पॉजिटिव आयंस का कांसेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस नाइन मोल्स पर लीटर और वहीं ओ एच नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस फाइव मोल्स पर लीटर तो बताओ तो ये सोल्यूशन बेसिक है एसिडिक है या न्यूट्रल है एच पॉजिटिव का मोलर काट्रेशन है टेन टू पावर माइनस नाइन मोल्स पर लीटर और ओ एच नेगेटिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन टू पावर माइनस फाइव मोल्स पर लीटर बताओ तो एसिडिक है या बेसिक है बेसिक है पक्का एग्जैक्टली exactly. ये है एक बेसिक सोल्यूशन ये है एक बेसिक सोल्यूशन कैसे पता चला अरे भाई टेन रेस टू पावर माइनस नाइन और टेन टू पावर माइनस फाइव में कौन सा बड़ा नंबर होता है एक्चुअली वही बड़ा नंबर होता है तो डेफिनेटली इन दोनों में बड़ा नंबर है टेन रेस टू पावर माइनस फाइव टेन रेस टू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव के बड़े होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव OH आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इस में है। भाई, सी ना इन दोनों बड़े होने का मतलब क्या है कि इस सोल्यूशन में OH का, जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन डेज टू पावर माइनस फाइव मोल्स पर लीटर ज्यादा है किससे ज्यादा है एच पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से तो जाहिर सी बात है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम है, तो वो क्या होगा अरे बेसिक सोल्यूशन ही तो होगा तो डेफिनेटली ये क्या है एक बेसिक सोल्यूशन है ये एसिडिक सोल्यूशन है और ये तो है ही कौन न्यूट्रल सोल्यूशन इतना समझ में आया अब सुनो जिस तरीके से हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर वॉल्यूम कितनी है वॉल्यूम कितनी है V है तो चाहे तुम कोई भी डब्बा ले लो डब्बे की यदि वॉल्यूम V है तो उसमें 26 सिक्स बॉल्स ही आएंगी तुम ये ले लो तुम ये ले लो तुम कोई तीसरा डब्बा तुम कोई चौथा डब्बा ले लो यदि उसकी वॉल्यूम कितनी है V है तो उसमें 26 सिक्स बॉल्स ही आएंगी उससे ज्यादा नहीं आ सकती हैं ठीक ऐसा ही होता है हमारे सोल्यूशन में ऐसा ही होता है हमारे सोल्यूशन में कि आप चाहे कोई भी सोल्यूशन ले लो एसिडिक न्यूट्रल या फिर बेसिक एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आइंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है वो आता है टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर के ही बराबर चाहे तुम दुनिया का कोई भी सोल्यूशन ले लो बच्चों, एच एसिडिक ले लो बेसिक ले लो या न्यूट्रल ले लो किसी भी टाइप के सल्यूशन में किसी भी टाइप के सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन्स के मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड ओएच एच नेगेटिव आयन्स के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आता है टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर आता है जिस तरीके से आप चाहे कोई भी बॉक्स ले लो यदि उसकी वॉल्यूम वी है तो उसमें जो बॉल्स हैं वो कितनी आएंगी ट्वेंटी सिक्स ही आएंगी ठीक वैसे ही आप दुनिया का कोई भी सोल्यूशन ले लो h पॉजिटिव आयन्स एंड oh नेगेटिव आयन्स के मोलर कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आएगा 10 रे टू पावर माइनस -14 मोल्स पर लीटर ही आएगा वॉल्यूम v होने का मतलब क्या है बॉल्स कितनी आ सकती हैं 26 आ सकती हैं भाई वॉल्यूम v होने का मतलब क्या है बॉल्स कितनी आ सकती हैं डब्बे में 26 आ सकती हैं अब 26 में से तुम 13 ब्लैक ले लो 13 वाइट ले लो या बीस ब्लैक ले लो व्हाइट जो है ना ले लो या दस ब्लैक ले लो और सोलह व्हाइट लो तुम अपनी मर्जी पे जो है बॉल्स का नंबर चेंज कर सकते हो लेकिन कंडीशन है क्या कंडीशन है कि अगर वॉल्यूम वी है तो बॉल्स छब्बीस ही आ सकती हैं। अब छब्बीस में तुम अपना जो है ना मन चला सकते हो मतलब अपनी मर्जी चला सकते हो कि छब्बीस में तुमको ब्लैक बॉल्स बीस चाहिए हैं या दस चाहिए हैं या कोई और नंबर चाहिए हैं छब्बीस में से व्हाइट बॉल्स तुमको तेरह चाहिए हैं 6 चाहिए हैं या सोलह चाहिए हैं वो तुम्हारी मर्जी लेकिन अगर तुम्हारे पास बॉक्स कितना है वी वॉल्यूम का है तो उसमें हमेशा छब्बीस बॉल्स ही आएंगी उससे ज्यादा नहीं आ सकती तुमको मैंने बोला कि चाहे सोल्यूशन कोई भी क्यों ना हो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आय के मोलर और कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना होगा इतना ही होगा अब इतने में एच पॉजिटिव आय काट्रेशन एंड ओ एच नेगेटिव आयंस का OH कॉन्सेंट्रेशन तुम वेरी कर सकते हो मेरी बात समझो जैसे कि यहां पर वॉल्यूम यदि वी है तो बॉक्स में छब्बीस बॉल्स ही आएंगी अब 26 में से तुमको ब्लैक कितनी लेनी है व्हाइट कितनी लेनी है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है जो भी लोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं, बॉक्स में 26 ही होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं सिमिलरली आपके पास आपके पास चाहे जो भी सोल्यूशन क्यों ना हो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के मतलब एच पॉजिटिव आयंस एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आएगा 10 रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर आएगा अब इसमें इसमें एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो सकता है ओ एच नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो सकता है लेकिन जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा इतनी ही आनी चाहिए चाहे जो भी सोल्यूशन क्यों ना हो एग्जाम्पल से बताती हूं शायद जल्दी समझ में आए सपोज एसिडिक सोलूशन है एसिडिक सोल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव का, या मेरे पास एक सोल्यूशन है मैं तो यह भी नहीं बोल रही कि अभी एसिडिक है बस हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर वहीं OH नेगेटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन में वो है टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर सल्यूशन है एच पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसमें टेन रेस टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर OH नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर आप ही बताओ एसिडिक है या बेसिक है एसिडिक है या बेसिक है नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा नंबर होता है तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन दिख रहा है नेगेटिव में ये तो वाकई में ये कौन होगा बड़ा नंबर होगा बेटा रट लो ये दिमाग में बात बिठा लो एफडी करा लो एफडी दिमाग में जैसे बैंक में पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा करते ना वैसे ही अपने दिमाग में ये बात फिक्स डिपॉजिट में जमा कर लो कि नेगेटिव में छोटा नंबर ही बड़ा नंबर होता है तो बड़ा नंबर कौन है माइनस सिक्स टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स और ये किसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब कि हमारे सोल्यूशन में ओएच नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हमारे सोल्यूशन में ओएच नेगेटिव आयंस का हमारे सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है जाहिर सी बात है अगर ये ज्यादा होगा मतलब ये कम होगा मतलब सोल्यूशन क्या है बेसिक है कैसा है बेसिक है अब अगर मैं तुम लोगों को बोलू कि बेटा इन दोनों के ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालो तो भाई इन दोनों के ही एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालो तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर आएगा कि नहीं आएगा बताओ तो आया इसका मतलब क्या कि डब्बा चाहे कोई भी क्यों ना हो यदि वॉल्यूम V है तो उसमें 26 बॉल ही आएंगी चाहे जो हो जाए सल्यूशन तुम्हारे पास कोई भी क्यों ना हो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आय के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर ही आएगा अब डिपेंड करता है कि इसमें एच पॉजिटिव आय का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ओ OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है तुम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो तुम्हारी मर्जी चल सकती है यहां पर लेकिन अगर सोल्यूशन है तो उसमें एच पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो इतना ही आएगा लिख लो एफ कर लो इतना ही आएगा इतने में H पॉजिटिव एंड OH एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है जैसे कि एक और सोल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव आयन्स के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है टेन रेस टू पावर माइनस फोर मोल्स पर लीटर या माइनस थ्री मोल्स पर लीटर एक और सोल्यूशन है मेरे पास जिसमें कि एच पॉजिटिव आयन्स का मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन रेस टू पावर माइनस थ्री मोल्स मोल्स पर लीटर तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी <laughs> नहीं मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि सोल्यूशन एसिड है या बेस है मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरे पास एक और सोल्यूशन है और इसमें एच पॉजिटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कितना है टेन रेस टू पावर माइनस थ्री मोल्स पर लीटर तो क्या आप बता सकते हो इस सोल्यूशन में नेगेटिव OH के मोलर की वैल्यू कितनी आएगी एग्जैक्टली टेन रेस टू पावर माइनस इलेवन मोल्स पर लीटर कैसे पता चला अरे जब मैं बोल रही हूं ना कि डब्बा चाहे कोई भी हो अगर वॉल्यूम वी है तो बॉल्स कितनी आएंगी छब्बीस ही आएंगी चाहे सोल्यूशन तुम्हारे पास कोई भी क्यों ना हो एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो पावर मोल्स पर ही आएगा आएगा तो इतना ही लेकिन इतने में तुम क्या कर सकते हो एच पॉजिटिव और ओव नेगेटिव आय के मोलार्ट्रेशन की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो कि अगर एच पॉजिटिव आय के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू टेन टू पावर माइनस थ्री मोल्स पर लीटर है तो ओ एच नेगेटिव आइंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन रेस टू पावर माइनस इलेवन मोल्स पर लीटर इनका प्रोडक्ट कितने के बराबर हो जाएगा टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर के चलो अब वापस आओ वापस आओ चलो अपन जो है सेशन को रिज्यूम करते हैं सेशन में जाने के पहले मैंने आपको बताया मतलब सेशन में ब्रेक पे जाने के पहले मैंने आपको बताया था कि सल्यूशन चाहे कोई भी क्यों ना हो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आता है टेन रेस टू पावर माइनस मोल्स पर लीटर और इसी को हम क्या बोलते हैं के डब्लू के डब्लू मतलब कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर जो हर सोल्यूशन के लिए इतना ही रहता है अब इतने में तुम क्या कर सकते हो इतने में एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आय के कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू है एच पॉजिटिव एंड एच नेगेटिव आय के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू वो आप चेंज कर सकते हो जैसे कि आपके पास डब्बा है वॉल्यूम वी का बॉल उसमें 26 आ सकती है अब 26 बॉलों में से तुम ब्लैक कितनी भी ले सकते हो व्हाइट कितनी भी ले सकते हो लेकिन टोटल 26 ही ही लेनी है तुम्हें तो यहां पर भी ऐसा छब्बीस आय के मोलार मोलार्ट्रेशन आप कितने भी ले सकते हो कैसे भी ले सकते हो अपनी मर्जी से लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल पर लीटर के बराबर ही होना चाहिए इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए कम भी होना चाहिए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ठीक है चलो अगर मैं तुम लोगों से पूछू कि बेटा मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें एच पॉजिटिव आय का जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो है टेन रेस टू पावर माइनस सेवन नॉट माइनस नहीं माइनस इलेवन मोल्स पर लीटर तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आय के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी और वैल्यू के साथ साथ क्या आप मुझे बता सकते ये निचर हो ये नेचर में एसिडिक होगा बेसिक होगा या फिर ये न्यूट्रल होगा हां जी अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आय की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आती है 10 रेस टू पावर माइनस इलेवन मोल्स पर लीटर तो ओएच नेगेटिव आयंस आयंस के ओएच OH नेगेटिव के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी एग्जैक्टली टेन रेज टू माइनस थ्री मोल्स पर लीटर एसिडिक होगा या बेसिक होगा एग्जैक्टली exactly, ये होगा बेसिक क्यों अरे टेन रेस टू पावर माइनस इलेवन टेन रेस टू पावर माइनस थ्री में बड़ा नंबर कौन सा होता है माइनस थ्री इसका मतलब सोल्यूशन में ओवे नेगेटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है एच पॉजिटिव के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब सोल्यूशन कैसा है बेसिक है ठीक है नेक्स्ट अगर सोल्यूशन में ओवेच नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है टेन रेस टू पावर माइनस नाइन मोल्स पर लीटर सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है टेन टू पावर माइनस नाइन मोल्स पर लीटर तो क्या बता सकते हो सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी वैल्यू के अलावा नेचर क्या होगा सोल्यूशन का बता सकते हो एग्जैक्टली exactly, टेन टू पावर माइनस फाइव मोल्स पर लीटर क्या हो जाएगा एच पॉजिटिव का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और नेचर क्या होगा हंड्रेड परसेंट एसिडिक अरे माइनस फाइव और माइनस नाइन में बड़ा नंबर कौन सा होता है टेन रेस टू पावर माइनस फाइव मतलब कि सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आय काट्रेशन ज्यादा है और एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि एच पॉजिटिव आय काट्रेशन ज्यादा हो वो क्या होता है एक एसिडिक सल्यूशन सबको बात यहां तक समझ में कोई डाउट तो नहीं बेटा हर्षिता क्लास की भी साइंस क्लास लगेगी मैं मना नहीं कर रही हूं लेकिन टेंथ वालों को मैं पढ़ा तो आधी पढ़ाई छोड़ करके आ क्या हैं सबको पढ़ना होता है ना और पूरा पढ़ना होता है आधा नहीं पढ़ा के आ सकती मैं वेट करो आर यू मैं चलो यहाँ पे बात समझ में आ गई तो कुल मिलाकर के हमने कंक्लूजन अभी तक क्या क्या निकाल लिया कि भाई सोल्यूशन एसिडिक हो बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो हर सोल्यूशन में तुमको एच पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे और ओवच नेगेटिव आयंस भी मिलेंगे अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा अगर सोल्यूशन कैसा है एसिडिक है तो उसमें एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ओवच नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा यदि सोल्यूशन बेसिक है तो उसमें ओवच नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा Solution यदि न्यूट्रल है तो उसमें एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिवेशन बराबर बराबर हो जाएगा एक न्यूट्रल सोलूशन में जैसे कि पानी में पॉजिटिव एंड टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल पर लीटर तो ओ एच नेगेटिव आय का भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर चाहे आपके पास कोई भी सोल्यूशन क्यों ना हो आपके पास कोई भी सोल्यूशन क्यों ना हो उस सल्यूशन में उस सल्यूशन में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है आई रिपीट सोल्यूशन चाहे कोई भी क्यों ना हो एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल हर सोल्यूशन में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आय के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आता है टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर जिसको अपन क्या बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू से इसको अपन डिनोट करते हैं तो चाहे सॉल्यूशन के कोई भी क्यों ना हो के डब्ल्यू सबके लिए कांस्टेंट रहता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सबके लिए कांस्टेंट रहता है दैट इज 10 रे टू पावर माइनस -14 मोल्स पर लीटर अब इसमें आप जो है एच पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव आयंस के मोलर कंसंट्रेशंस की वैल्यूज जो हैं वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि अगर H पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है टेन रेस टू पावर माइनस एट तो ओ एच नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा टेन रेस टू माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर के ही बराबर आना चाहिए ठीक है चलो अब जो है बात कर लेते हैं थोड़े और आगे की इतना समझ में आ गया तो एक बेटा वो थे डैनिश बायोकेमिस्ट थे सोरेंसन नाम के एक डैनिश बायोकेमिस्ट थे सोरेंसन नाम के उन्होंने क्या करा किसी भी सल्यूशन में एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन को पीएच के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी मैंने क्या बोला भाई ये चीज़ सबको समझ में आ गई ना अब हम आगे बात करते हैं कि एक डैनिश फिजिशियस बायोकेमिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई हम किसी भी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन को पीएच के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं पीएच का मतलब क्या होता है देखो न, 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 हाँ पीएच का मतलब डैनिश लैंग्वेज में होता है पोटेंस डे हाइड्रोजन पोटेंस डे हाइड्रोजन पोटेंस डे हाइड्रोजन का मतलब क्या है कोई मूवी का नाम नहीं है पोटेंस डे हाइड्रोजन पोटेंस का मतलब होता है पावर तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एच पॉजिटिव आय के पावर की तो एक डैनिश बायोकेमिस्ट थे सोरेन्सन नाम के उन्होंने बोला कि भाई हम किसी भी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आय के मोलार कॉन्सेंट्रेशन को पी में एक्सप्रेस कर सकते हैं पीएच मतलब की डेनिश लैंग्वेज में इसका मतलब मतलब होता है पोटेंस हाइड्रोजन पावर ऑफ एच पॉजिटिव आय काट्रेशन H पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की पावर तो उस हिसाब से पीएच का फॉर्मूला क्या बना दिया इन्होंने माइनस टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन पीएच का फॉर्मूला क्या बन गया माइनस लॉग टू बेस टेन ऑफ एच पॉजिटिव आय कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक सोल्यूशन है जिसमें एच पॉजिटिव आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन है मोलार कॉन्सेंट्रेशन है यहां पर हम बेसिकली एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कितना है एक सोल्यूशन में 10 रेस टू पावर माइनस माइनस सेवन मोल्स पर लीटर आप बोलोगे कि मैम बेटा प्लीज डोंट स्पैम मैं ब्लॉक कर दूंगी कोई मतलब नहीं है क्लास नाइन्थ की क्लास भी होगी स्केड्यूल्ड है यहां से फ्री हो जाऊं फिर आती हूं नाइन्थ में ठीक है चलो अब सुनो मेरी बात अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का मोलार कॉन्सेंट्रेशन है टेन डेज टू पावर माइनस सेवन इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly. सोल्यूशन कैसा है न्यूट्रल है अरे यार अगर एच पॉजिटिव आयंस का मोलार कॉन्ट्रेशन है टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर तो ओ एच नेगेटिव आयन्स के भी तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 10 डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर क्यों क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10 डेज टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर 14 में से 10 रे टू पावर माइनस -7 मोल्स क्या है H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन तो 10 रे टू पावर माइनस -7 मोल्स पर लीटर किसका हो जाएगा OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन मतलब बराबर बराबर सॉल्यूशन कैसा है न्यूट्रल है तो क्या आप मुझे यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच निकाल के बता सकते हो ये जो -7 है ये यहां आ जाएगा तो ये माइनस फार्मूले का माइनस ये minus -7 सामने आ गया सामने आ गया log base 10, log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 की वैल्यू कितनी होती है वन होती है और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो पी एच कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा पीएच इतना आ जाएगा सेवन हो जाएगा मुझे पता है कि पी एच आपको पता है कि न्यूट्रल सोल्यूशन का पी एच कितना होता है सेवन होता है लेकिन ऐसे निकालना भी सीखो एलेवंथ में कोई नहीं सिखाएगा क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको पता होगा ठीक है तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एच पॉजिटिव आयंस का मोलार कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का मोलार कंसंट्रेशन है 10 रे टू पावर -7 मोल्स पर लीटर तो उसका पीएच हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि minus -7 आगे आ जाएगा लॉग लॉग 10 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो प्लस सेवन इंटू वन पीएच कितना हो जाएगा सेवन भाई लॉग टेन टू द बेस टेन की वैल्यू कितनी होती है वन ना तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा सेवन ठीक है चलो आगे बढ़े इतना समझ में आया चलो अब यहां देखो पीएच निकालना आपको आ गया अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूं आप लोग उसका पीएच निकालो एक सल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है टेन रेस टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर एक सोल्यूशन है जिसमें कि एच पॉजिटिव के मोलार कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है टेन बेस टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर इसका पीएच कितना आ जाएगा इसका पीएच कितना आ जाएगा हाँ जी बताओ तो इसका पीएच कितना आ जाएगा जल्दी बताओ पीएच निकालो हाँ जी पीएच कितना आएगा हाँ <coughs> जी कितना आ रहा है पीएच कितना आ रहा है पीएच एट आ रहा है कैसे निकाला देखो फॉर्मूला क्या होता है पीएच का माइनस लॉग टू कंसेंट्रेशन इसकी जगह पे क्या लिख देंगे इसकी जगह पे लिख देंगे टेन रेस टू पावर माइनस एट तो ये माइनस एट सामने आ जाएगा तो माइनस ब्रैकेट में माइनस एट लॉग टेन टू द बेस टेन की वैल्यू कितनी होती है वन होती है इन टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो प्लस एट एट इन वन कितना हो जाएगा एट तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी पी एच की वैल्यू आ जाएगी एट आ जाएगी एट ये एट वैल्यू पी एच की आपको क्या बता रही है ये पीएच की जो एट वैल्यू है ये आपको क्या बता रही है कि सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन है नेचर में बेसिक अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला तो बेटा ये रूल होता है क्या रूल होता है कि जब हम बात करते हैं न्यूट्रल सल्यूशन की तो उसका पीएच होता है सेवन जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया जब हम बात करते हैं एक एसिडिक सोल्यूशन की तो उसका जो पीएच है वो सेवन से कम होता है और अगर हम बात करते हैं एक बेसिक सल्यूशन की तो उसका पीएच सेवन से ज्यादा होता है कैसे पता करा देखो न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आय का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बराबर होता है कितना 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 तो टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर इतना ही होता है एच पॉजिटिव का इतना ही होता है ओ नेगेटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना अगर मैं बोलू कि बेटा किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का काट्रेशन टेन डेज टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर हो गया है। मैं अगर बोलूं कि बेटा न्यूट्रल सोलूशन का तो समझ में आ गया कि एच पॉजिटिव और ओ OH नेगेटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितने कितने होते हैं इतने इतने होते हैं समझ में आ गया बराबर बराबर होते हैं लेकिन अब मैं बोलूं कि बेटा मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि H पॉजिटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा क्या हो गया है कम हो गया है तो जाहिर सी बात है इस सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा टेन डेज टू पावर माइनस फाइव मोल्स पर लीटर हो जाएगा भाई सोल्यूशन में अगर कैसा हो सोल्यूशन आपका न्यूट्रल हो तो H पॉजिटिव का काट्रेशन इतना होता है OH नेगेटिव आयंस का काट्रेशन भी इतना ही होता है एक सोल्यूशन मैंने ऐसा लिया है जिसमें एच पॉजिटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां से थोड़ा सा कम हो गया है कितना हो गया है टेन डेज टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर हो गया है तो उसी सोल्यूशन में, OH तो में बड़ा नंबर कौन सा है सोल्यूशन मतलब में ओवच नेगेटिव आयन ज्यादा है और एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ओव एच नेगेटिव आय ज्यादा होते हैं वो क्या हो जाता है एक बेसिक सोल्यूशन हो जाता है कि नहीं हो जाता तो अगर मैंने एक सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर से थोड़ा सा कम कर दिया कितना कर दिया टेन डेज टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर कर दिया तो सल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा और वहीं अगर मैंने एक सल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इससे थोड़ा सा बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स मोल्स पर लीटर कर दिया तो ऐसे सोल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आय काट्रेशन कितना हो जाएगा टेन एज टू पावर माइनस एट है ना टेन एज टू पावर माइनस एट मोल्स पर लीटर अरे यहां पे सिक्स होना चाहिए वेरी सॉरी यहाँ पर सिक्स होना चाहिए

इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है डेफिनेटली ये मतलब कि सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब कि सोल्यूशन क्या हो गया सल्यूशन हो गया एसिडिक तो अगर आप थोड़ा बहुत भी सल्यूशन में एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव आयस के कॉन्सेंट्रेशन को कम ज्यादा करते हो तो सल्यूशन का जो नेचर है वो बदल जाता है या तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा इसका मतलब यह है कि यदि सल्यूशन में एच पॉज वो स्वरेंसन ने क्या करा था किसी भी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ही तो पी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था ना तो अगर किसी सोल्यूशन में कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टेन रेस टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर होता है मतलब वो नेचर में कैसा होता है न्यूट्रल होता है और अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर से यदि ज्यादा हो जाए तो वह सोल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टेन रेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर है तो वो सोल्यूशन कैसा है नेचर में न्यूट्रल है अगर सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का मोल्स पर लीटर से ज्यादा है ज्यादा मतलब माइनस सिक्स माइनस फाइव है ना टेन एस टू पावर माइनस सिक्स माइनस माइनस फोर ऐसा है तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक और अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आय का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो टेन रेस टू माइनस सेवन मोल पर लीटर से कैसा है कम है मतलब वो नेचर में क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा तो सोरेन्सन ने जो कहा था सोरेन्सन ने जो कहा था वो जो है उसी की भाषा में हमने ये समझ लिया उसने क्या करा था सॉल्यूशन में h पॉजिटिव आयंस का जो मोलार कंसेंट्रेशन है उसको पीएच की टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो अभी तक का सारा फंडा हमें क्लियर समझ में आ गया अभी तक का पूरा फंडा हमें समझ में आ गया क्या फंडा समझ में आ गया कि किसी भी सॉल्यूशन में यदि h पॉजिटिव एंड oh नेगेटिव आयन्स के मोलर कंसंट्रेशन बराबर-बराबर हो कितने 10 रे टू पावर -7 मोल्स पर लीटर तो सोल्यूशन वो क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है और उसका पीएच क्या हो जाता है सेवन अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो सोल्यूशन में एसिडिक हो जाएगा नेचर में एसिडिक हो जाएगा और अगर किसी सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस का जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर से कम हो गया टेन एस टू पावर माइनस एट टेन एस टू पावर माइनस टेन टेन एस टू पावर माइनस टेन हो गया तो वो सोल्यूशन नेचर में क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा तो अगर न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है सेवन होता है तो एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो सेवन से कम होगा और बेसिक सोल्यूशन का जो पीएच है वो सेवन से ज्यादा होगा ठीक है एक सल्यूशन है जिसमें चलो एक काम करते हैं आज के सेशन के लिए अपन इतना ही रखते हैं कल वापस आके मिलेंगे और मिलकर के हम बात करेंगे पीएच की ठीक है ठीक है आज के सेशन के लिए अपन इतना ही रखते हैं अब अपन मिलते हैं कल और कल मिलने के बाद अपन जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ गई ना कोई डाउट तो नहीं है कोई दुविधा तो नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सबको समझ में आई थक गए अच्छी बात है थकना भी चाहिए टेंथ में आ गए हो ठीक है ना अगली क्लास में जाओगे ना तो और थकोगे प्रैक्टिस अभी से कर लो तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही अब अपन मिलते हैं अपने अगले सेशन में और अगले सेशन में मिल करके पीएच एच को ही टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू और यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे और साथ ही साथ मुझे एक छोटा सा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या रोल ऑफ पी एच इन एवरी डे लाइफ वो भी हम कवर करेंगे कल के सेशन में तो मिलते हैं अपने कल के सेशन में तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय